नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं रामकरण प्रिज्म सक्सेस एकेडमी माय लाइफस्टाइल की तरफ से फिर से आपका स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन विषय लेके मैं आपके साथ रूबरू हुआ हूं। और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो आपको एक बात की अश्योरिटी देता हूं कि जीवन के अंदर बहुत सारी उपलब्धियाँ आप हासिल कर लोगे, बहुत सारी अचीवमेंट आपके पास रहेंगी। इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। वो आपके जीवन में बहुत काम आपके अंदर आएगी, आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे आपको लेके जाएगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि लक नाम की कोई चीज होती है, किस्मत कोई चीज होती है, एक लक एक चीज का नाम है, एक लक कोई विषय है जिसके बारे में लोग बात करते हैं। तरह तरह से लोग इसके बारे में बात करते हैं, ये लक होता क्या है, एक्चुअल में ये लक है क्या, इस लक की जो डेफिनेशन है वो इसके शब्द के अंदर ही वो लक हमारे को बताया गया है। एल जो अक्षर होता है, एल जो अल्फाबेट है आपका, उसका मतलब होता है लोकेशन। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वही बंदा लकी है। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग के नहीं, मैं हर पहलू पे बात कर रहा हूं, हर बिजनेस के अंदर ये फंडामेंटल लागू होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही बंदा कामयाब है जिसका तरह तरह की लोकेशंस, अलग अलग जगह पे जिसका बिजनेस है, जिसका बिजनेस एक ही गांव एक ही कस्बे के अंदर फैला हुआ है, वो लकी नहीं हो सकता। उसको बिजनेस को इधर उधर फैलाना ही पड़ेगा तभी वो लकी हो सकता है। उसकी लोकेशन बहुत मायने रखती है उसके बिजनेस की। दूसरा यू का मतलब होता है एल यू, यू का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। उसकी लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कस्टमर के पास गया, उसको सुनना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप सामने वाले को नहीं सुनोगे, आप कैसे जान पाओगे इसको क्या चाहिए, क्या इसकी जरूरत है। बहुत से लोग प्लान देते हैं, पैसे के बारे में बताते हैं, अरे सामने वाले को भाई सुन तो लो माय डियर फ्रेंड्स, वो लेना क्या चाहता है। शायद उसका पैसा मोटिव ना हो जिंदगी में, वो सेहत कमाना चाहता है, वो लोगों की सेवा करना चाहता है। उसको देखिए एक्चुअल में वो चाहता क्या है, और उसकी चाहत तभी आप जान पाओगे जब आप उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो परमात्मा ने भी इसका एग्जाम्पल दिया है। परमात्मा ने हमारे को दो कान दिया है, एक मुंह दिया है, एक इसलिए दिया है साथियों, ये इसीलिए दिया है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। बहुत से लोग सोचते हैं कि बोलने से सेल आता है, बोलने से सेल नहीं आता साथियों, सामने वाले को अंडरस्टैंड करने से सेल आता है, उसको जानने से सेल आता है। तो अंडरस्टैंडिंग इज द मेन पॉइंट, आपको ये करना ही पड़ेगा। और एल यू सी, सी का मतलब है कनेक्शन साथियों। कनेक्शन का मतलब क्या है, आपका अपनी डाउनलाइन के साथ, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ जाते हैं और चलते 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 वो ये भूल जाते हैं कि मेरी कोई टीम भी है, उनके साथ उनके कनेक्शन लूज हो जाते हैं, वो ईगो के बतौर हो जाए, जैसे भी हो जाए, कनेक्शन नहीं रहते हमारी टीम के साथ। तो कनेक्शन सी जो है कनेक्शन, और कनेक्शन जब भी लूज होता है तो क्या होता है साथियों, उधर आपका वाइब्रेशन पैदा होने लग जाती है, उधर फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, हमारा एनर्जी का वेस्टेज होता है। अगर हम कहीं भी देखें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कनेक्शन लूज है तो स्पार्किंग होने लग जाती है, और स्पार्किंग की वजह से एनर्जी का वेस्टेज होता है। ऐसे ही अगर आपका आपकी टीम के साथ कनेक्शन लूज है तो उधर एनर्जी का वेस्टेज रहेगा, क्योंकि आपकी टीम अलग अलग जगह पे ध्यान देना स्टार्ट कर देगी और उससे एनर्जी का वेस्टेज होके टीम की जो एनर्जी वो गोल के तरफ लगनी चाहिए थी वो गोल के तरफ ना लग के गलत दिशा में जानी स्टार्ट हो जाती है। तो साथियों आपको कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, इस बात का आपने बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। तो एल यू सी, सी का मतलब कनेक्शन, और के, के का मतलब है नॉलेज साथियों। आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपके जीवन में जिस दिन आपने कुछ सीखा ना हो। हर पल हर क्षण हर दिन आपको सीखने के लिए तत्पर रहना है। तो सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, अगर नहीं सीखोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे माय डियर फ्रेंड्स। तो लर्निंग और अर्निंग में सिर्फ एल का फर्क है। अगर एल को काट दोगे अर्निंग है आपकी पॉकेट में, तभी पैसा आएगा जब लर्निंग आएगा। तो आपने सीखने की तरफ पूरा फोकस रखना है। ये चार अक्षर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं एल यू सी के, तो ये आपका लक है साथियों। इसको मुट्ठी में अगर करना है तो इस लक को समझिए। लोकेशन मस्ट, आपको बिजनेस को अलग अलग लोकेशन पे फैलाना ही पड़ेगा। अपने घर को छोड़ दीजिए,
कंफर्ट जोन को छोड़ दीजिए, बाहर निकलिए और लोकेशंस क्रिएट करिए बिजनेस में। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप जाने अनजाने पूरे भारत में, पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा सकते हो, क्योंकि आप जिनको जानते हैं वो भी आगे 10-10 लोगों को जानते हैं। तो लोकेशंस अगर बहुत स्पीड से कोई क्रिएट कर सकता है तो एक डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्किंग करने वाला व्यक्ति कर सकता है। जिस दिन मैंने इस कारोबार को स्टार्ट किया था, मेरे को भी नहीं पता था, बहुत से लोग ऐसे मेरी टीम में आए हैं जिनको मैं भी नहीं जानता था, वो लोकेशन के कारण ही आए हैं। जब ये लोकेशन बढ़ती चली जाती है तो आपका बिजनेस बूम करेगा, ग्रो करेगा, तो आपको अलग अलग लोकेशंस के ऊपर काम करना चाहिए। लक का पहला यही मोटिव है और यही उसका मतलब है, लक का लोकेशन। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने बता दी आपको, अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी है, बॉन्डिंग बना के रखनी है, दूसरे को ज्यादा सुनना है, दूसरे को समझना है, और कनेक्शन बना के रखना है, कभी लूज मत करना अपनी टीम के साथ, और नॉलेज सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना। कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी अगर लक को अपनी मुट्ठी में करना है। इन चार बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो होप करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि लक क्या होता है, और आपके लिए इसलिए मैंने बनाया कि आप इसको अंडरस्टैंड करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर आपका मिलना चाहिए ताकि उन लोगों तक ये पहुंचे जिनको अपना लक अपनी मुट्ठी में करना है। अपनी टीम को ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए और उनको सिखाइए ये बातें, उनको हेल्प मिलेगी जीवन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल, जय हिंद।